बिस्मिल्लाहिर्रहीम एवा परमेश्वरनु नाम लईने शुरू करूँ छू जे खूब दयाळु छे जेनी रहमत वरसती रहे छे अने ए रहमत ने सत्वारे आजे मळवानु थयुं छे। तो आम तो कविनो परिचय शुं होय मारे फक्त एटलुं ज कहेवानुं छे के हूँ पण एक नानकडो एक अदनो माणस छू। मैं मारुं एज्युकेशन वगैरह मुंबई में थयुं अने यूपीएससी परीक्षा बे वार आप्या पछी एक वार हूँ भारतभर में प्रथम हतो अने ए रीते सीनियर स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी में रह्यो हूँ। एमांथी निवृत्त थयाने पण आजे 16 वर्षनो समय थयो छे अने एमां जुदा जुदा लोकोने निरंतर मळवानुं थयुं छे। एमनी साथेनो एक जे संबंध छे एमनी साथेनो जे संलाप छे जे संवाद छे एने लीधे मारी अंदर कशुक आवी रह्यु छे आव्यु छे अत्यार सुधी एटलो मारो नानकडो परिचय छे। एवा अनेक लोको जे मने मळ्या एमां एक छे अपना अली असगर सैयद साहेब जे अहियां इस्लामे हिंद जमाते इस्लामे हिंद ना एक अदना कार्यकर तरीके काम करी रह्या छे अने एमनी साथे मळ्या पछी मने सतत एवुं लाग्या कर्युं कि आ माणस एक वरसता वादळ जेवो छे जेनी पासे अल्लाहनी रजा छे। जेम दाखला तरीके कोई वादळ वरसतुं होय तो ए जोतुं नथी होतुं कि आ हवेली छे पैसादारनी कि आ गरीबनी झूंपड़ी छे बधा ऊपर एक सरखी रीते वरसाद वरसतो होय छे। एवी रीते एमनो स्नेह भाव छे एमनी जे वातचीत करवानी शैली छे एमनी जे विनम्रता छे ए निरंतर मारी नजर समक्ष रही छे अने एमणे हमेशा बधाने साथे लईने चालवानुं राख्युं छे। मने लागे छे के आ आपणी संस्थानी एक मोटामां मोटी उपलब्धि छे जेने आ माणसे आत्मसात करी छे पोतानी अंदर इम्बाइब करी छे के आपणे बधाने साथे लईने चालवानुं छे। जमीन को ले के चलो आसमां को ले के चलो और चलो तो कायनात ले के चलो आम बधा लोकोने साथे लईने चालवानुं छे। पण चालवानुं छे क्यां तो के चालवानुं छे त्यां ज्यां आपणने एक रस्तो बताडवामां आव्यो छे अने ए रस्तो कोणे बताड्यो तो कि आपणा पैगंबरोए बताड्यो अने ए कोनी ओलाथी रजाथी बताड्यो तो कि एमने मालिकनी प्रेरणाथी बताड्यो छे। तो जे ईश्वर छे कई एनी रजा एनी प्रसन्नता ए सर्वोपरि छे अने ज्यां सुधी ईश्वरनो सवाल छे तो त्रण क्वालिटी एनी अंदर बहु अगत्यनी रही छे। एक तो ए सर्वव्यापी छे चारे बाजू एटलो बधो छे कई के एनाथी ज बधु भरपूर छे। वो बेहिसाब इतना कि हर जर्रे में जलवा आशकार उस पे पर्दा ये की सूरत आज तक देखी नहीं ये कदी सामे नथी आवतो छता पण ए चारे बाजू छे अने दरेक बाजुए थी ए आपणी समक्ष आवतो होय छे। तो ए सर्वव्यापी छे ए सर्वज्ञ छे ए बधुं जाणे छे आपणने अंदर बार थी बधाने ओळखे छे के आ लोको शुं करे छे केटलुं साचुं करे छे केटलुं खोटुं करे छे केटलुं आडंबर करे छे ए बधुं एने खबर पड़े छे। ए सर्वज्ञ पण छे अने सर्वशक्तिमान पण छे ऑम्निपोटेंट कही शकाय एवी क्वालिटी पण ईश्वरनी अंदर छे। आवा ईश्वरनी मरजी ने अनुरूप चालवू जेनाथी चारे बाजू एकता छवाय भाईचारो छवाय अने शांति प्रवर्ते एक न्यायनु साम्राज्य रहे पण ईश्वरीय न्याय होय ए ज जरूरी छे। अने एवी वात जे लईने आवे छे आपणी पासे एमनो जे संदेश मळ्यो ए आपणने पैगंबरे इस्लाम आपणा मोहम्मद साहेब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जे वचनो छे एमनो एक तो जे एमणे आ कुराने शरीफ आप्यु जे ईश्वरनी प्रेरणा थी ए छे उपरांत एमनुं जे जीवन वृत्तांत छे आ बधे चीजो जे कंई छे ए आपणी समक्ष एक उदाहरण तरीके छे। अने आपणा भाई अली असगरे एवा कार्यक्रमो योजा जेमां आपणने कुराने शरीफनो परिचय थाय एवा एवा कार्यक्रमो योजा एमणे मस्जिदोनी अंदर कार्यक्रमो योजा अने धर्मगुरुओने साथे राखीने वात करी छे जेथी करीने एक वस्तु समझाई जाए कि कबीर कुआं एक है पनिहारी अनेक बर्तन सब न्यारे भये पर पानी सब में एक। तो आ जे बधे मां एक जे तत्व छे एने जो तमे भेगू करी शको तो ए बहु कामनू होय छे। कारण के आम जो तमे पांदड़े पांदड़े पानी छांटवा जाओ तो ए कोई रीते झाड़ने पहोंचशे नहीं। पण एकाय साधय सब सधाय सब साधय सब जाय रहीमन सिंचय मूल को फुलही फलही अघाय। जो मूळमां सिंचन करवामां आवे तो ज वात पहोंचती होय छे। एटला माटे तो गुजरातीनो एक कवि कहे छे के तने एकमांथी बहुनी तमन्ना बहुमां मने एक जोवानी इच्छा करे छे सुराही तू प्याला मां खाली तो करूं छूं हूं प्याला सुराही मां खाली।
तो आ चार तरफ एक ज एक साम्राज्य प्रवर्ते है, ईश्वर की इच्छा मुजब प्रवर्ते है। ये वस्तु समझाता समझाता आ संस्थाएं एक जो बीजू सूत्र आप मैंने बहु गमे कि तमारी पास जे कहीं है ये फक्त तमारू एकलानू नथी, तमारे एने बीजाओ साथे वहेंचवानो छे। अने ए जे दान आपवानो छे जेने तमे जकात कहो के जे कहोते, पण एवी रीते आपवानो छे जेमां तमारो कोई अहंकार न होय, तमने एम न लागे कि आ मे आप्यु छे। तो आ मारापणाना भाव वगरनू जे दान छे, निस्वार्थ भावे कोई पण जातना स्वार्थ वगर आपेलू दान छे, एनो घणो मोटो महिमा छे। अने एटला माटे तो इवन रहीमदास जी पण एम कहता कि देवन हारा और है भेजत है दिन रैन, पर लोग भरम हम्पे करें ताते नीचे नैन। तो ए रीते जे दाननी परंपरा छे ए पण आ मने आ कार्यक्रमों मां जवाथी समझाई छे, अनुभवाई छे। अने हूँ निरंतर एम मानतो रह्यो छुं कि आखरे तो जे फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। आजना समानामां एटली बधी विषमता व्यापे छे कि जेनी वच्चे आपणे तराशीने साचो माणस गोतवो होय तो घणी बधी मेहनत पड़े छे, कारण के प्रदूषणनी मात्रा एटली बधी वधी गई छे कि आपणने श्वास लेवामां पण तकलीफ पड़े छे। तो आवा वातावरणनी अंदर आवी संस्थाओनुं एक बहु मोटुं योगदान छे कि जे लोको निर्मळता जे कहीं छे एनो पक्षपाती छे, जे लोको सादगीना पक्षपाती छे, जे लोको दुराचारना विरोधी छे, એવી એવી જે સંસ્થા છે એનો મહિમા જેટલો કરીએ તેટલો ઓછો છે। અને આપણે બધાએ એ સંસ્થાની સાથે રહેવું જોઈએ, એને પીઠબળ આપવું જોઈએ, એના કાર્યક્રમોને આગળ વધારવા માટે આપણે શું કરી શકીએ એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ ઉપર અને એક સોશિયલ લેવલ ઉપર, આ બંને જે ધારાઓમાં આપણાથી જેટલું થઈ શકે એવું કરવું જોઈએ। મને લાગે છે કે સમય તો સમયનું કામ કરતો જ જાય છે, એ આપણી સાથે રહેશે નહીં, ઘણી બધી વાતો કરવાની છે। પણ એક એક વસ્તુ બહુ પાકી છે કે સાયર લેર્યું થોડ્યું હું જે ઘટ ગણેર્યું, હેકડ્યું તળ ન પૂગ્યું ત્યાં બીવું ઉપડ્યું, જેમ સાગરની લહેરો છે એ ગણી શકાતી નથી હોતી, એક શાંત થાય તો બીજી ઉપડતી હોય છે, એમ વાતો એક પછી એક નીકળતી જશે। અને આ અમૃત તુલ્ય જે સંસ્થા છે એનો જે મહિમા, આમ તો 75 વર્ષ, હું આપને બહુ સાચી વાત કહું દોસ્તો, બહુ મોટો સમયગાળો આમ જુઓ તો નથી અને આમ જુઓ તો છે, વિશાળ કાળખંડમાં 75 વર્ષ એ કંઈ ગણતરીમાં લેવાય એવો સમય નથી, છતાં વ્યક્તિના જીવનમાં એને અમૃતકાળ કહેવામાં આવે છે। જેમ આઝાદીનો અમૃતકાળ ઉજવાય છે એમ વ્યક્તિના જીવનમાં પણ 75 વર્ષનો સમય છે, એ બહુ અગત્યનો સમય હોય છે। તો જે રીતે આ 75મા વર્ષે આ અમૃતનું જે વહેંચણી છે એનું પર્વ આ સંસ્થા ઉજવી રહી છે, અને આ જે આબે હયાત છે એટલે કે અસ્તિત્વને આપણે કાયમ રાખતું જે ઝરણું છે, એવી સંસ્થા જેવી આ સંસ્થા જો કાયમ રહે તો મને લાગે છે કે આપણે જરૂર સારું એક સામ્રાજ્ય ઊભું કરી શકીશું, લોકોને ફરીથી એક સાચા માર્ગે વાળી શકીશું, અને એમ કરતાં કરતાં આપણે સૌ આનંદમાં અને ઈશ્વરની રજામાં એની પ્રસન્નતામાં પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરીશું। આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, પ્રણામ।